उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार 2 जून की शाम को भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जहां 3 ट्रेन आपस में टकरा गए। हादसे में करीब 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल हैं। लेकिन देश का ये पहला कोई बड़ा रेल हादसा नहीं था। आज से करीब 42 साल पहले बिहार रेल हादसे की एक ऐसी ही कहानी लोगों को आज भी सहरा देती है, जिसे देश का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम थ्रिलर। वो तारीख थी 6 जून, साल था 1981, दिन था शनिवार का। यात्रियों से खचाखच भरी एक ट्रेन मानसी सहरसा रेलखंड पर बदलाघाट धमाराघाट के बीच बागमती नदी पर बने पुल नंबर 51 पर पलट गई थी। इस ट्रेन में कुल 9 बोगियां थी। ट्रेन की 9 बोगियां उफनती बागमती नदी में जा गिरी थी। ये ट्रेन मानसी से सहरसा की तरफ जा रही थी। इस हादसे में करीब करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जून 1981 शनिवार के दिन मानसी तक ट्रेन सही सलामत बढ़ रही थी। फिर शाम करीब 3 बजे बदलाघाट ये ट्रेन पहुंचती है और वहां थोड़ी देर रुकती है। वहां कुछ देर रुकने के बाद अब ये दोबारा ट्रेन अपना सफर शुरू करती है और धीरे धीरे धमाराघाट की तरफ चलती है। अभी ट्रेन ने कुछ ही दूरी तय की थी कि मौसम अचानक खराब हो गया। तेज आंधी के बाद बारिश भी होने लगी। तब तक ट्रेन रेल के पुल नंबर 51 के पास पहुंच गई थी और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। तभी अचानक ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जिसके बाद ये पैसेंजर ट्रेन की 9 बोगियां उफनती हुई बागमती नदी में जा गिरी। कई लोगों के शक कहते हैं कि कई दिनों तक ट्रेन की बोगियों में ही फंसे रहे थे। इस हादसे में मरने वालों की जो तादाद सरकारी आंकड़े के मुताबिक बताई गई थी 300 थी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में आम वहाँ के जो लोकल हैं, स्थानीय लोगों के हवाले से लिखा गया है कि इस हादसे में करीब 800 के करीब लोग मारे गए थे। इस हादसे को देश का सबसे बड़ा रेल हादसे के रूप में देखा जाता है। वहीं अगर इसके पीछे की जो थ्योरीज कुछ सामने आई थी, उनमें कहा जाता है कि ट्रेन बागमती नदी को पार कर रही थी कि तभी ट्रैक पर गाय और भैंसों का झुंड आ गया था, जिनको बचाने के लिए ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाए तो मौसम खराब होने की वजह से ट्रेन के ब्रेक लगे तो, लेकिन ट्रेन की जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो काबू नहीं हो पाई और ट्रेन जो है वो पुल से नीचे गिर गई थी। वहीं ये भी कहा जाता है कि उस वक्त बारिश तेज थी, आंधी भी थी, जिसकी वजह से लोगों ने ट्रेन के सभी खिड़कियों को बंद कर लिया था और तेज तूफान होने की वजह से पूरा दबाव ट्रेन पर पड़ा और बोगियां नदी में समा गई। हालांकि ड्राइवर ने ब्रेक क्यों लगाया था, ये आज तक राज है जो किसी को भी नहीं पता चला है। वहीं आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था साल 2004 में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर, जब सुनामी की तेज लहरों में ओशियन क्वीन एक्सप्रेस समा गई थी और इस हादसे में करीब 1700 लोगों की मौत हुई थी। तो इस ट्रेन हादसे के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।